सब नशे के दुष्टात्माएं छोड़े और आसाद हो जाएं। सिस्टर का नाम सुमन है और जेजनाला रोड उमरपुरा गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर के हस्बैंड है और इनकी गवाही जे बता रही कि जे 20 साल से बहुत ज़्यादा ड्रिंक का कैप्सूल का और तम्बाकू का नशा करते थे और जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान थी। और सबसे पहले तो जे बहन ने फर्स्ट टाइम एक संडे की मीटिंग को अटेंड किया था, उस समय जे ब्रदर इस मिनिस्ट्री में नहीं थे आते, पर जे सिस्टर ने बताया कि जैसे जे फर्स्ट मीटिंग में आए और इन्होंने विश्वास किया और सेकंड मीटिंग में आए तो उस समय इनके हस्बैंड के साथ आए इनके विश्वास करने के बाद। और जे बता रहे कि जैसे ही प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना करते थे, नशे की दुष्टात्माओं से विश्वास करो, नशे की दुष्टात्माओं से परमेश्वर आपको आसाद कराए, हर नशे की दुष्टात्माएं छोड़े और आसाद हो जाए, छोड़े और छाए और आप आसाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आसाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। तो जी हर समय विश्वास करते थे, रिसीव करते थे कि परमेश्वर जो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा नशा करते आप इनके जीवन से खत्म कर चुके हो। तो इन्होंने बताया कि जी बहुत परेशान थे क्योंकि जे भी बहुत ज्यादा क्लेश करते थे, इनके साथ नहीं रहते थे और जितना भी जे बता रहे कि जो कमाई करते थे इनको 400 रुपया काम से लेकर आते थे, सिर्फ इनको 200 रुपया ही देते थे घर में, बाकी जब जी नशे में ही खर्च कर देते थे और जिसके कारण जी बहन घर का काम कर अपना घर का खर्च चलाती थी और जी बहुत परेशान थी। आज ऐसे ही इन्होंने बताया कि जे लगातार इनके हस्बैंड अभी मीटिंग में आ रहे थे और जे भी विश्वास में बने रहे और धन्यवाद करते रहे और आज इनको एक महीना हो गया है कि इन्होंने पूरा जो नशा करते थे कैप्सूल ड्रिंक या तम्बाकू का जो 20 साल हो चुका था नशा कर रहे थे, परमेश्वर ने इनके जीवन से आज इस नशे से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है और आज इनके हस्बैंड इनके साथ रह रहे हैं, नहीं तो एक साल हो गया था कि जे इनके साथ नहीं थे रहते। और जे बहन बहुत खुश है कि निश्चय जैसे इन्होंने विश्वास किया आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको आजाद किया और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही को इनके जीवन में बनाया, इस गवाही के लिए जे धन्यवाद करते हैं। सुनो 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 एक चीज, आपको कितना टाइम हो गया प्रभु में, नहीं इनको उनकी मिसेस को साइड आओ, आपको प्रभु में कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। पर मैं कल्ली जांदी सी चर्चे नहीं से जांदे ते मैं बस एहो कहंदी सी प्रभु नु मेरे पति भी मेरे नाल आन, ते भी मैं दूसरे महीने 20 तारीख नु आई सी कल्ली। यहां पे कब आप कब आई, कितनी? दूसरे महीने 20 तारीख नु। दूसरा महीना कौन सा है? फरवरी महीने। हां फरवरी 20 को आप आए थे यहां पे। आप 10 साल से विश्वास कर रहे हो ना? हां जी। और आप 20 फरवरी को आई है ना? 20 फरवरी को आई ना? हाँ जी पापा जी। और आपने क्या विश्वास किया फिर? मैं हो विश्वास कर दी मेरे पति मेरे ना एक साल हो गए मेरे नानी सी रहने, मैं अपने बच्चों के नाल ही रहती सी, इतने रेंट ते रहने असी पिंड तो आए हैं, 10 साल हो गए इतने रहने नु अनु ओदा। ओके हाँ जी। तो आपने अनुग्रह की पॉजिटिव बातों को सीखा यहाँ से? हाँ जी है ना जी। और अनुग्रह की पॉजिटिव बातों को सीखा, पॉजिटिव प्रार्थना की, पॉजिटिव विश्वास किया कि मेरे लिए ये हो चुका है। हाँ जी पापा जी। बोलो क्या है? आपने ये चीजें क्यों नहीं बोली बीच में? पापा जी तो बहुत नहीं, मैं इनको नहीं बोल रहा, ये जो गवाही दे रहे हैं मैं इनको पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बस ऐसे ही दे देते कई बार। हाँ तो आपने यहाँ की इस शिक्षा को फॉलो किया, पूरा किया कि कैसे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ना अनुग्रह के, यही तो बात अनुग्रह की। इन्होंने विश्वास किया कि मैं, जैसे हम बताते हैं ना, अगर किसी का पति साथ नहीं है तो विश्वास करो है, अगर किसी का पति नशा करता है जब बच्चे कहते बोलो नहीं है, नहीं है, कोई भी चीज है तो हम ऐसे ही बताते हैं कि नहीं है, यही शिक्षा देते हैं ना आपको। तो इन्होंने भी वैसे ही किया 10 साल से प्रभु में, अभी सिर्फ 20 फरवरी को आई, आज कौन सा महीना है? अभी मार्च ही है, अभी तो मे बी एक महीना, हाँ एक महीना कुछ दिन हम लगा सकते हैं, हाँ एक महीना कुछ दिन है ना, ऐसे ऊपर देखो कितनी जल्दी ये कितना बड़ा काम परमेश्वर ने कर दिया। हाँ जी छोटी बात है, 20 साल से एक बंदा नशा कर रहा है,
बोलो कितना, 20 साल से। ये छोटी बात है, बोलो छोटी बात है। आज कितना टाइम हो गया, कमी ना आ गया, हुन बिल्कुल कोई नशा नहीं। ओ एक महीना हो गया, तारीफ करो जोर से, तेरा फजल मेरे जोर से तारीफ करो। काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है, जोर से जोर से। तेरे लहू से मुझे माफी है, मिली तेरे लहू से मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी। कितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठाओ, जो लोग विश्वास करते। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मिली तेरे लहू से मुझे माफी है, मिली तेरे लहू से मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमेन। वो सच में सामर्थ्य है और वो जिंदा है, हाँ, और वो काम करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई इंसान उसकी बातों का क्या करेगा, विश्वास करेगा, क्या करेगा, जो इंसान उसकी बातों का क्या करेगा, विश्वास करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। ऐसे बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।